दीनदयाल उपाध्याय ऑल इंडिया नेशनल स्टाइल कबड्डी जिसका दूसरा चरण है, ये इसलिए चुना गया क्योंकि जींद, कैथल, हिसार, भिवानी ये हब है कबड्डी का और हमने खेल महाकुंभ में किया था जिसमें कबड्डी गेम को विशेष तौर पर तवज्जो दी, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों टीमों ने कबड्डी की पार्टिसिपेट किया। जींद जिले में कबड्डी का जुनून है और उस जुनून का आप यह नज़ारा देख भी रहे हैं, जींद निवासियों की हजारों की संख्या में जो यहाँ उपस्थित हैं दर्शक और इंजॉय कर रहे हैं देश के टॉप की 12 टीमों के टूर्नामेंट्स को और मैचेस को। आदरणीय पूजनीय स्पोर्ट्स डायरेक्टर जगजीत जी, ये बताइए कि टूर्नामेंट के बाद फिर आने वाले समय में आप कबड्डी के लिए हरियाणा में कौन सी रणनीति, कौन सी नीति लागू करने वाले? कबड्डी के लिए हमने खेल महाकुंभ में टूर्नामेंट कराए और कैश द मियन की पॉलिसी पे कबड्डी को प्रमोट करने के लिए हमने स्कूलों में नर्सरियां दी हैं 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उसमें 25-25 बच्चे, लड़के और लड़कियां भागीदारी करेंगे। उनको फ्री कोचिंग है, स्कॉलरशिप है और 1,00,000 का इक्विपमेंट उस स्कूल को हर वर्ष दिया जाएगा। जी पिछली बार हरियाणा ने 1 करोड़ जीता था, इस बार हरियाणा के लिए आपकी तरफ से क्या शुभ संदेश है प्यार, इसके बारे में प्लीज आखिरी क्वेश्चन। देखो अभी क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है और ये वन साइडेड है और हरियाणा सेमीफाइनल में लगभग आ चुका है और मुझे पक्की उम्मीद है कि फाइनल मैच और 1 करोड़ का इनाम हरियाणा अवश्य जीतेगा इस बार भी। मैं तिलक आपका फिर धन्यवाद स्वागत प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लीज। हाँ देखिए फिर